उज्जैन जिले के ग्राम सरसाना स्थित लॉर्ड कॉन्वेंट स्कूल को पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने बैंक से कर्ज लिया था लेकिन उसे लौटाया नहीं, जिसके चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़नगर तहसील के ग्राम सरसाना स्थित लॉर्ड शिव कॉन्वेंट स्कूल को लेकर शुक्रवार को प्रशासन व बैंक की टीम ने पहुँच कर सील कर दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के इंटेक्स बैंक से 3 साल पूर्व 31 लाख रुपये का कर्ज स्कूल मालिक द्वारा लिया गया था, जिसके कोई भी किस्त आज तक बैंक को स्कूल संचालक द्वारा जमा नहीं की गई, जिसके बाद स्कूल को सील करने की कार्रवाई की गई। मामला ये है, आज न्यायालय टप्पा कार्यालय से एक पत्र मिला था जिसमें स्कूल संचालक ने 2015 में लोन लिया था 31 लाख रुपये प्राइवेट कंपनी से। प्राधिकृत अधिकारी इंटेक कंपनी लिमिटेड दिल्ली और उसकी एक शाखा इंदौर में है, उनसे लोन लिया था। लोन की अदायगी नहीं करी गई और लोन की जो है राशि वसूलने के लिए न्यायालय में विवाद हुआ था, न्यायालय से भी यह पक्ष हार गया है। और इसी तारतम्य में जो है टप्पा कार्यालय से तहसीलदार महोदय द्वारा एक आदेश जो है स्कूल की प्रॉपर्टी सील करने का दिया गया था, जिसके पालन में श्रीमान टीआई साहब के आदेश से मैं पुलिस फोर्स के वहाँ पहुँचे और कंपनी के अधिकारियों ने उसका फोटोग्राफी कराकर उसको सील किया है प्रॉपर्टी। कितनी राशि लगभग बकाया बताई जा रही है? उनका पीड़ित व्यक्ति का कहना है, जिसका स्कूल है, उस फरियादी का कहना है कि 31 लाख रुपये हमने लोन लिया था, हमने हमारे पार्टनर, लेकिन आज कंपनी 2 करोड़ रुपये करीब मांग रही है। ठीक। हम वो कलेक्टर साहब के यहाँ से अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय से आदेश हुआ था कि बैंक के फेवर में उसको सील करना है, उनकी राशि बकाया थी इसके संबंध में सील। कितनी राशि बकाया? अब रास्ते के लिए तो उन्होंने नहीं बताया कितना है।